प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। सिंगापुर में आज पीएम मोदी ने अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स मैटिस से मुलाकात की। इसके बाद वह श्री मरम्मन मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना कर पुजारी से आशीर्वाद लिया। मंदिर के बाद वह चूलिया मस्जिद पहुँचे। मैटिस से मुलाकात के पहले पीएम मोदी सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में मरम्मन मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि पीएम मोदी ने सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती देते हुए सिंगापुर के सबसे पुराने हिंदू मंदिर में पूजा की। उन्होंने बताया कि यह भगवान मरम्मन मंदिर 1827 में बनाया गया था। मंदिर के बाद पीएम मोदी मशहूर चूलिया मस्जिद पहुँचे। यहाँ उनके साथ सिंगापुर के सांस्कृतिक मंत्री ग्रेस येन भी मौजूद रहे। यह मस्जिद एक भारतीय चूलिया मुस्लिम व्यापारी ने बनवाई थी। पीएम मोदी ने अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स मैटिस से मुलाकात की। पीएम मोदी और गोह चोक टोंग ने सिंगापुर के क्लिफोर्ड पियर में महात्मा गांधी पट्टिका का अनावरण किया। तीन देशों के 5 दिवसीय दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद गुरुवार को सिंगापुर पहुँचे थे। शुक्रवार को दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते हुए। पीएम मोदी ने यहां एक विश्वविद्यालय का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रोबोट के साथ भी बात की। प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी के मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत सिंगापुर के बीच कई समझौते 1 नर्सिंग पर म्यूचुअल पहचान एग्रीमेंट 2 भारतीय नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच साझा समन्वय जहाजों के लिए सेवा का आदान प्रदान सबमरीन के लिए भी समझौता 3 भारत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम वित्त मंत्रालय भारत सरकार सिंगापुर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम साइबर सुरक्षा एजेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के बीच समझौता 4 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ सिंगापुर के बीच समझौता 5 पर्सनल मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भारत और सिंगापुर में समझौता 6 दोनों देशों के वित्त मंत्रालय के बीच ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने के लिए समझौता 7 भारत के नीति आयोग और सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के बीच प्लानिंग के क्षेत्र में समझौता। आज पीएम मोदी सिंगापुर में मंदिर और मस्जिद का दौरा करने के बाद कई महत्वपूर्ण जगह भी जाएंगे। इसके बाद भारतीय समयानुसार दोपहर 2:50 पर वे भारत के लिए रवाना हो जाएंगे।